दोस्तों आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं इसका जो सुपर स्ट्रक्चर है वो किस तरह से लगता है। देख लीजिए, ये इसका सुपर स्ट्रक्चर समझ लीजिए लगा हुआ है। ये जब पेयर टेबल बनाने से पहले इसके अंदर पहले स्ट्रक्चर लगाया जाता है, जो कि आप देख सकते हैं ज़मीन से इसको कोई लेना देना नहीं है। इस स्ट्रक्चर को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, जो पेयर के जो कॉलम है, जो पाया है, उसके अंदर में इसको फिक्स कर दिया जाता है। देख सकते हैं बोल्टिंग, बड़ा बड़ा बोल्ट के ज़रिए जो है जो इसको फिक्स किया हुआ है दोनों साइड में, और अंदर के साइड भी बोल्ट लगा हुआ, अंदर के साइड भी स्ट्रक्चर लगा हुआ है और उस तरफ भी स्ट्रक्चर लगा हुआ है। इसके ऊपर ही जो है सो सारा पेयर टेबल का लोड रहता है। जब पेयर टेबल कास्ट करना होता है, पेयर टेबल को ढलाई करना होता है, तो पहले इस तरह से सुपर स्ट्रक्चर जो है पहले लगा दिया जाता है। जनरली जो है हर जगह पे होता है वो ज़मीन पे, मतलब एक बड़ा सा चैनल डाल करके या फिर पीसीसी करके, फिर पाइप डाल करके उसको जो है उसके ऊपर में शटरिंग लगा करके फिर ढलाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो पेयर टेबल बनाने का तरीका है, जो जिस तरह से ये स्ट्रक्चर को वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, मान लिया कि जैसे कि बाढ़ आ गया या पानी आ गया नीचे में, तो वो इसके लिए काफ़ी आसान हो जाता है ये स्ट्रक्चर्स में काम करने के लिए, और काफ़ी यूज़फुल स्ट्रक्चर है यहाँ पर, जो कि देख सकते हैं पेयर टेबल बनाने से पहले इस स्ट्रक्चर को लगाया जाता है। इसके ऊपर देख सकते हैं पेयर टेबल बन के तैयार है, और इसका शटरिंग किस तरह से लगता है वो मैं आप लोगों को ऊपर जाके दिखाता हूँ। यहाँ पर इसी सीढ़ी से हम ऊपर जा रहे हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए स्ट्रक्चर इसका, देख लीजिए ऊपर से किस तरह से दिखता है इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पर काफ़ी सारा स्पेस है, और देख लीजिए ऊपर में पेयर टेबल है। तो इसी चैनल के ऊपर ये जो आप लोगों को दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, इसके ऊपर से जो है पाइप लगा करके जो है सो इसके ऊपर में शटरिंग लगाया जाता है, जो कि आगे पेयर में लगा हुआ है, जो कि आप उधर भी देख पा रहे होंगे। वो सामने का जो पाया आप लोगों को दिख रहा होगा, 51 नंबर का पाया है, उसमें देख लीजिए स्ट्रक्चर लगा हुआ है, उसके ऊपर शटरिंग भी लगा हुआ है, और उसी ज़मीन से इसको कोई लेना देना नहीं होता है। इसी तरह से स्ट्रक्चर इसका लगता है दोनों साइड में, और दोनों साइड में देख लीजिए ये पेयर टेबल बन के तैयार है। तो इसी तरह से जो है इसका पेयर टेबल बनाया जाता है। तो ये छोटा सा अपडेट आप लोगों को दिखाना था, और आप लोगों को तस्वीर दिखाना था किस तरह से पेयर टेबल बनके तैयार होता है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए ये आपने पहले कभी देखा था या नहीं देखा था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।